ये नीतीश कुमार वाले बहारे वाले बिहार से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रोते बिलखते बच्चे जिनका सिर इस वक्त तप रहा है, माय अस्पताल में आपको अपने इंसान होने पर शर्म आएगी जब आप इस अस्पताल में पहुंचेंगे। जब नीतीश कुमार अपनी उस कुर्सी पर एयर कंडीशन दफ्तर पर बैठते हैं, क्या उन्हें शर्म आती है कि इन बच्चों की क्या हालत है इस अस्पताल में? वो परिस्थिति हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद नीतीश कुमार नींद से जागे और उन्हें लगा कि चलिए मुजफ्फरपुर चलते हैं, जरा हाल पूछते हैं, क्योंकि मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मीडिया के दबाव से, मीडिया की नजरों से दूर उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या किया, ये सवाल आज मुंह बाय खड़ा है इस अस्पताल में जहां हम पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं इस अस्पताल में बच्चों की हालत क्या है। इन बिस्तरों पर, एक एक बेड पर कई सारे बच्चे पड़े हुए हैं। किस तरह से माएं उनके सिर पर ठंडा कपड़ा, पानी का गीला डाल डालकर बुखार उतारने की कोशिश कर रही हैं। अस्पताल की हालत यह है कि बीच में बेड्स के जगह नहीं है, गंदगी का आलम है। कोई यहां पर ना इंतजाम है, ना तैयारी है, और हर कोई बस भगवान भरोसे छोड़ा गया है। सवाल नीतीश कुमार के सामने ये भी है कि 4 लाख मरने के बाद तो वो मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन मालिक अगर जरा सी भी संवेदना है तो इंतजाम कीजिए। क्या जिंदगी का यही सम्मान है इस देश में? क्या बिहार की धरती में जिसकी महान गाथाएं वो गाते हैं, यही हालत है यहाँ के नौ निहालों का, जहां पर बच्चों को बेड के नीचे ऐसे गद्दे लगाकर बिछाया जा रहा है? यहाँ पर एक महिला थी जो मुझे बता रही थी कि एक बार कब लाए आप बच्चा? हम मैंने 10 बजे भर्ती किए हैं। और ये एक बोतल पानी इस तरह से चढ़ाया गया? बस एक बोतल। बुखार उतर रहा है? नहीं नहीं, बुखार उतर रहा है, जैसे लाया तैसी है। डॉक्टर लोग आ रहे हैं पूछने? हाँ, वो सोचे अलखी ना, अब देखभाल कर लेखी ना, चल गेलखी। ऐसी ही हालत अलग अलग जगहों पर है। और ये ऐसा दिन है जब खुद नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, इस अस्पताल में कुछ ही देर पहले आए थे और निकले हैं, तब इस अस्पताल की ये हालत है। आपको पता ही होगा कि 1 से 10 साल के बच्चों को ये बुखार सबसे ज्यादा सताता है। जहां जाइए वही आलम है। एक एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चों का इलाज चल रहा है। यहाँ पर भी वही हालत है, उसी तरह की परिस्थिति है। पता नहीं बीमारी का इलाज होगा या नई बीमारियों का इंतजाम होगा, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गंदगी है और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो बुखार के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहाँ से आप? दूर से आई हैं? कब से बुखार है बच्चा को? 3 दिन हो गया बुखार के। 3 दिन हो गया है? और क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर बताया कि बल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? पानी वानी भी चढ़ाया गया है? पानी चढ़ाया। वो ड्रिप हाथ में लगा हुआ है बच्चे के? पानी चढ़ाया, अभी बुखार लग गई बको बको। हालत ऐसी हम आपको दे। रुके रुके रुके, हाँ बताइए। हाँ सर, बहुत घंटे घंटे चमकी आता है इसको। डॉक्टर कहता है सर बीमारी ऐसा चला है, बहुत हार्ट अटैक के मौत के तरह जिंदगी खेलना पड़ता है बीमारी देख के। एक एक घंटे पे आप कह रहे हैं कि? एक एक घंटे पर आता है, देख के बहुत सीरियस हम भी हो जाते हैं।